Subscribe and press the bell icon for latest update. साथियों से यौन शोषण के आरोप में जेल में बंद गुरमीत राम रहीम को लेकर एक खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अब राम रहीम जेल से प्रवचन देना चाहता है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका डालकर डेरा के पूर्व प्रमुख शाह सतनाम जी महाराज के जन्म दिवस यानी कि आज राम रहीम द्वारा प्रवचन दिए जाने के लिए याचिका डाली गई है। अब देखना यह है कि क्या आज राम रहीम प्रवचन दे पाएंगे। आपको बता दें याचिका में प्रवचन को ब्रॉडकास्ट कराने की व्यवस्था के निर्देश दिए जाने की मांग की है। इस याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट याचिका पर सुनवाई हुई। यह याचिका मालवा इंसा फॉलोअर्स डेरा सच्चा सौदा एसोसिएशन भटिंडा की तरफ से दायर की गई है। एडवोकेट राव पीएस गिरवर ने कहा कि मेरे मुवक्किल समाज हित के लिए कार्य करते हैं और इसके लिए एक पैसा भी नहीं लिया जाता। इस बार अब शाह सतनाम जी महाराज के जन्म दिवस पर ऐसा ही करने की योजना बनाई गई है। तो वहीं आपको बता दें कि याचिकाकर्ता ने अपने समर्थन में संविधान के अनुच्छेद 51A और संयुक्त राष्ट्र के कैदियों के बारे में जारी नियमों का हवाला दिया है। इस बीच डेरा सच्चा सौदा के राजनीतिक धड़े ने अपने समर्थकों से कहा है कि वह हरियाणा के बीजेपी के सभी विधायकों और सांसदों से मिलें और उन्हें बताएं कि उनके सत्ता में आने की वजह डेरा का समर्थन था। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।